नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मंडी में किसानों का हंगामा, हेबर ने पुलिस बुलाई। खरीद के लिए कर्मचारियों की संख्या कम है। दर्जन भर गांव के किसानों ने सरसों लेकर के मंडी में पहुंचे। व्यवस्था न होने की वजह से किसानों ने आगे पीछे लगाए ट्रैक्टर। वहीं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। आप देख रहे हैं पल पल रेवाड़ी से महेंद्र भारती की विशेष रिपोर्ट। रेवाड़ी में 28 मार्च से शुरू हुई हेफेड द्वारा किसानों की सरसों खरीद पर अब कर्मचारियों की कमी के चलते संकट मंडराने लगा है। हेफेड के पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं होने के कारण किसानों में रोष की तस्वीरें देखने को मिल रही है। गर्मी अपने पूरे उफान पर है और किसानों की अपनी फसल उचित मूल्य पर बेचने के लिए गिड़गिड़ाना भी पड़ रहा है। अनाज मंडी के किसानों को अपने ट्रैक्टर ट्रालियों में खड़ा कर हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए किसानों ने कंट्रोल करने के लिए हेफेड द्वारा पुलिस की मदद लेनी पड़ी। हेफेड के अधिकारियों ने भी माना है कि कर्मचारियों की कमी के चलते देरी हो रही है। सरसों खरीदने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता है। सरकार की ओर से प्रति वर्ष किसानों की फसल को खरीदने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, फिर भी किसानों की समस्याओं का दो चार होना जरूर पड़ता है, क्योंकि इन समस्याओं का निदान कभी नहीं हो पाता। जब फसल मंडी में आती है तो ये सब दावे धरे रह जाते हैं। बहरहाल व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंडी में पुलिस मौजूद है और किसानों की सरसों खरीदी जा रही है, लेकिन जरूरी है कि किस रोस्टर प्रणाली के तहत सरसों की खरीद शुरू की गई है और इसके हिसाब से प्रशासन को कर्मचारियों की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि किसानों को घंटों तक धूप में न खड़ा रहना पड़े। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। समाधान सुबह सुबह नवल सिंह है मेरा नाम। सुबह सुबह ये समाधान होना चाहिए कि जो ये गेट पास काटने वाला है ना, ये बखतसा के गेट पे बैठे, जैसे 6 बजे ट्रैक्टर आने शुरू होते हैं और ट्रैक्टर एंट्री करते जाओ और गेट पास काटते जाओ, ताकि ना तो भीड़ जमा हो और पब्लिक परेशान ना हो, नंबर के अंदर होते जाए और एक ना तीन चार बैठाना चाहिए, आगे पीछे लगा दो, बारी बारी, पब्लिक परेशान ना होगी उससे। जमींदार अपना टाइम पे आएगा, अपना पर्ची कटवाता जाएगा, अंदर होता जाएगा। इनकी संख्या कम है, एक काउंटर रखते हैं, काउंटर भी तीन, कम से कम दो या तीन होने चाहिए। अगर 6 गांव होते हैं तो 6 में 3 काउंटर तो होने चाहिए। जो ट्रैक्टर गेट पे एंट्री होते हैं वही मॉइस्चराइज चेक करो और उनकी डेयरी करवा दो, ताकि ट्रैक्टर भी ना रुके, पब्लिक भी दूर इकट्ठी ना हो यहाँ से और ना परेशानी हो। लेकिन इनके पास आदमी इतने ढेर, अब पीछे बीच में ट्रैक्टर उसका नंबर आ रहा है, आगे ट्रैक्टर फंसे, वो कैसे निकालेगा? गेट से एंट्री करके ढेरी करवाओ उनकी, है जी, दिक्कत यही है। इस ट्रैक्टर का नंबर है, आगे कैसे निकालेगा? आगे ट्रैक्टर खड़े भी जाम हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, वहीं से मॉइस्चराइज गेट पे देखो और एंट्री करो, ढेरी करवाओ, ये होना चाहिए। कर्मचारियों की तो वैसे बढ़ाने की जरूर बढ़ाने चाहिए जी, कर्मचारी कम है हमारे पास जी। हाँ, हैफेड से मैं परचेजर अकेला हूँ, ठीक है जी। और बाकी जो साथी हैं ये एक मार्केट कमेटी से हैं, एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी से हैं जी, एक एक बंदे। ये सैंपल मैं अपने भी आप मैं ही ले रहा हूँ, सैंपल भी मैं ही ले रहा हूँ, ये कागज पास भी मैं ही कर रहा हूँ जी। दिक्कत उसकी वजह से भी एक जो आज जो है दिक्कत यहाँ आई मेन, अगर टोकन जो है हमारा वो सीरियल नंबर से मार्केट कमेटी जो बंदे वहाँ बैठे हैं जो टोकन इश्यू कर रहे हैं, गेट पास इश्यू कर रहे हैं, वो अगर सीरियल नंबर से लगा करके भेज दें हमारे पास 1 2 3 4 तो ये ट्रैक्टर उसी हिसाब से लग जाए। अब जमींदारों ने क्या किया कि सीरियल नंबर लगे नहीं, जमींदारों ने आगे पीछे ट्रैक्टर हटा दिए, इस वजह से परेशानी ज्यादा आ गई। तो अभी खरीद स्टार्ट करेंगे? नहीं, खरीद तो स्टार्ट हो रही है जी, चालू है। ये बीच बीच में हंगामा इसलिए हो रहा है कि ट्रैक्टर एक दूसरे ट्रैक्टर आपस में अड़ा रहे हैं, ये थोड़ी व्यवस्था बिगड़ रही है ट्रैक्टरों की, इस वजह से किसान थोड़ा मान नहीं रहे। मैं तो इनको फुल कोऑपरेशन के लिए कह रहा हूं, जितना आप कोऑपरेट करोगे उतना ज्यादा काम निकलेगा। मैं रात के 12 बजे तक करूं, इनको मैंने बोल दिया है कि आपकी सारी सरसों खरीद